हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको देखो बहुत ही सुंदर बिछना बनाना सिखाऊंगी, जो इसको हाथ का पंखा बोलते हैं। देखो मैंने ये आटे की पॉलीथीन ली है और इस पॉलीथीन को हम छोटे छोटे इस पॉलीथीन के छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। ऐसे ये मैंने पीस बना लिया है। ये देखो मैंने ऐसे काट लिया है। इसके बाद आपको इस ऐसे देखो फ्रेंड, इस तरह से ये पूरा तय लगा लेंगे इसको ऐसे। देखो फ्रेंड, इस तरह से ये मैं यहाँ से चिमटी लगा देती हूँ। मैंने चिमटी लगा दी है, फिर ये मैंने यहाँ से बीचों बीच ऐसे एक बार इसे ऐसे मोड़ ले बराबर बराबर। फिर यहाँ से एक सुई लेनी है और इस सुई को बीचों बीच निकाल लेना है और यहाँ ये आपको गांठ लगा देनी है। देखो फ्रेंड, इस तरह से फिर ये यहाँ से पकड़ना है ऐसे और ये धागा ऐसे पकड़ना है और ये सुई यहाँ से ऐसे निकालनी है। ऐसे ऐसे फिर से इसे पीछे की तरफ फ्रंट वे, फिर इस साइड से जैसे मैंने इधर से जोड़ा, फिर इस इधर से धागा निकाल के ये आपको ऐसे ही जोड़ना है। देखो ये दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही इसमें पूरे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। देखो फ्रेंड, ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है सारा। देखो फ्रेंड, मैंने ऐसे ही आपको 6-7 पीस ऐसे ही बनाने हैं। फिर ये इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है, इसमें जॉइंट करना है। देखो ये यहाँ से ऐसे जॉइंट करना है, यहाँ से सुई बराबर बराबर दोनों को रख के और ऊपर से ऐसे आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखो ऐसे जॉइंट हो गया है। फिर हम सारे ऐसे पीस जोड़, देखो फ्रेंड ये इस तरह से सारी मैंने ये 6-7 पत्तियाँ ली हैं, 7 पत्तियाँ ली हैं। इस तरह से आपको 4-4 सारी 7 पट्टियाँ रख दी है और फिर ये ऐसे ही जॉइंट बराबर बराबर इसी शेप में आपको लगाना है। देखो फ्रेंड, मैंने ये ऐसे पूरा जोड़ दिया है। अब मैं इस पर आपको ये मैंने स्टोन लगाऊंगी, जो ये लाइन है इन पे आपको पूरा स्टोन लगाना है। फिर मैं इस पर चारों तरफ से ये स्टोन लगाऊंगी। देखो फ्रेंड, मैंने ये इस बहुत कलर के स्टोन, ये मतलब सितारे लिया है। अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी जिससे ये बहुत सुंदर लगे। ये यहाँ से पहले हमने ये सुई डाल लिया, उसके बाद आप कोई भी कलर का स्टोन ऐसे ले लीजिए। उसके बाद इसमें डबल ऐसे यहाँ से सुई डाल के ऐसे इसमें लगाना है आगे की तरफ। ऐसे पूरे में लगाना है आपको, ये देखो ऐसे। देखो फ्रेंड, ये हर फूल के बीचों बीच ऐसे आपको रख के हर फूल में लगाना है और उसके चारों तरफ ऐसे। देखो ये मैंने यहाँ सुई से पूरी तरह ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरा लगाना है। ये इस तरह से आपको पूरे में ये स्टोन लगाना है। देखो फ्रेंड, ये मैंने स्टोन लगा के तैयार कर दिया है। इस पर हम किसी भी कलर के कोट रख सकते हैं, जो ये पूरे पैक हो जाए। इसमें हम किसी भी कलर का कपड़ा लगाएंगे। फिर इस पर
देखो फ्रेंड, ये मैंने ऐसे कपड़ा लिया है, इसे फोल्ड कर लीजिए मशीन से, उसको ऐसे पकड़ के जैसे आप मशीन से लगा सकते हैं तो मशीन से भी लगा लीजिए। ऐसे पूरे पे इस तरह से गोट लगानी है। ये देखिए मैंने चारों तरफ से गोट लगा दी। अब मैं ये यहाँ से मैंने सीधी डंडी ली है, जो मैं यहाँ इसे इस तरह से पकड़ के ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। देखो फ्रेंड, मैंने एक डंडी ली, इसका एक सेलो टॉप से पूरी पैक कर लिया। उसके बाद ये मैंने देखो ये ऐसे इसको ऐसे रखना है, और ये दोनों तरफ से आपको स्टोन लगाना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से सुई लेके आप इसको ऐसे सिल लीजिए चारों तरफ से। ये चारों तरफ से आपको पूरी पैक कर लेनी है सिल के। देखो फ्रेंड, इस तरह से आपको ये पूरी सिल लेनी है। अब इस पे हम एक पूरा कपड़ा हमने पैक करते हैं, जिसको गोट बोलते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने ये बंद कर दिया। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, इस तरह से इस कपड़े को पूरा ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फिर ये सुई ऐसे मशीन से भी लगा सकते हैं आप ऐसे। ऐसे पूरा ये बंद कर देनी है। देखो फ्रेंड, मैंने ये ऐसे इस पर ये सब लगा दिया, स्टोन वगैरह ये सब। अब इस पर आप सुंदर सुंदर बेल बना सकते हो किसी भी कपड़े की। देखो फ्रेंड, मेरा ये पंखा बन के तैयार हो गया है। मैंने इसमें सब कुछ तैयार कर दिया। अब हम इसको एक कपड़ा ले लिया है, आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हो। मैंने ये इस तरह से आपको काट लेना है, उसके बाद इसको ऐसे डबल करना है ऐसे। ये चार तय बनाने देनी है, इसकी शेप को गोल करनी है। इस तरह से आपको ऐसे गोल करनी है, और फिर इसमें तो एक साइड से ऐसे सुई से आपको इसमें लगा देना है। ऐसे ही पूरे में आपको ये ऐसे ही लगाना है। देखो फ्रेंड, मैंने ये लगा दिया, इसी तरह से आपको पूरे में ऐसे लगाना है। ये देखो, ये देखो फ्रेंड, मैंने इसे पूरे में लगा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।